सामने देखो यार कितना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, मतलब सामने नहीं जाने देते हैं। एक्चुअली लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुका है काफी ज्यादा, कुछ लोगों को जाने दे रहा है, कुछ लोगों को जाने नहीं दे रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग। फिलहाल रात के 10:15 टाइम हो चुका है और अभी तक ना यार एडिटिंग करने के लिए बैठ भी नहीं पाया। दो चार दिन से मेरे को पता नहीं चल रहा है मेरे कंप्यूटर में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है मेरे कंप्यूटर के साथ। कभी फिल्मोरा में वीडियो एड नहीं हो रहा है, कभी एडिट नहीं हो रहा है, कभी ब्लैंक आ रहा है। जो भी हो यार गाइस देखा जाएगा, देखता हूँ रात में कर पाता तो रात में ही करूंगा, अगर रात में नहीं होता है सुबह उठ के जल्दी से मेरे को करना पड़ेगा। फिर गाइस अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिलहाल सुबह हो चुका है 7:58 टाइम हो चुका है और अभी तक मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ भी नहीं पाया। अभी उठा हो यहाँ पर देख सकते हो कितना ज्यादा बारिश हो रहा है, हमारे यहाँ पर बिजली भी नहीं है। एडिटिंग तो कर रहा हूँ बट यार बहुत ज्यादा डर डर के एडिटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इतना जोर जोर से बिजली की कड़क होते हैं जिसके जरिए इन्वर्टर खराब होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। एक्चुअली ऐसे टाइम पर इन्वर्टर ऑन नहीं रहता है हमारे घर के, बट यार आज मजबूरन रखना पड़ रहा है मेरे को। बट यार काफी ज्यादा भूख लग चुका है तो इसलिए मैंने सोचा यार कुछ जुगाड़ बना लेता हूँ, एडिटिंग करूंगा और खाऊंगा, एक साथ टाइम कम है। इधर शोले में भिजाया था और रेडी कर लेता हूँ, फटाक से रेडी करके वहाँ पर ले लेता हूँ, चम्मच से खाऊंगा और एडिटिंग करूंगा। चलो यार भाई मस्त रेडी हो गया, बट यार थोड़ा सा लेमन डाल पाता ना तो और भी ज्यादा मजेदार लगता। सुबह सुबह खाने में ना यार बहुत ज्यादा ट्विस्ट आएगा। बारिश आ चुका है बट यार इतना ठंडा भी नहीं पड़ चुका है कि ठंडे के कपड़ा पहनना पड़ेगा। बट यार शादी करना यार ऐसा जीत कर रहा है कि उसको स्वेटर पहनना है, उसकी जीत की वजह से ये वाला पहन के दिया है। बट यार उसको पहनना था स्वेटर। इसके अंदर क्या है, क्या करो देखो, पानी लेके खेल रहे हैं। फाइनली यार गाइस 11:21 पर मेरा वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है और भाई 11:25 पर फाइनली वीडियो जाके अपलोड हो चुका है। काफी ज्यादा लेट हो चुका है। मम्मी यार कब से मेरे को डांट रहा है, बोल रहा है कि खाना खा ले। बट यार मम्मी समझता ही नहीं है कि यहाँ पर मजबूरी है। इतने दिन से काम कर रहा हूँ ना यूट्यूब में, अभी मम्मी सीधा बोलते है कि तो एक काम कर वो छोड़ दे, तू दूसरा किसी काम करना शुरू कर दे, उसमें फायदा होगा। और बहुत ज्यादा भूख भी लग चुका है, बट यार क्या करूँ यार, इधर काम भी है पड़ा हुआ है। काम अगर पड़ा हुआ रहता वीडियो अगर अपलोड नहीं होता है ना तो चांसेस हो भी नहीं पाता, उठा भी नहीं पाता, नींद भी नहीं आते, तो इसलिए सोचा कि चलो पहले ये वाला झंझट निपटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा खाना वाना रेडी हो गया है तो फटाक से खाना वाना खा लेता हूँ। आज यार मेरा फेवरेट दाल बन गया, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। खाना वाना हो चुका है और शादी का अभी नहाएगा। 12:27 टाइम हो चुका है लेकिन टैंकी में पानी नहीं है। टैंकी का कनेक्शन कैसा कौन सा था, ये वाला मेरे को पहले बंद करना चाहिए था। इस पाइप में जितना भी पानी था ना वही बेकार इससे निकल गया। तो भाई फिलहाल 4:44 टाइम हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ ऐसे जगह पर जाने के लिए जहाँ पर जाने से ना यार सुकून मिलता है, काफी ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मेरे साथ जाने वाले है फारूक, के घर में आ चुका हूँ, उसको उठा लेता हूँ। ब्लॉगर के लिए प्रॉब्लम ही होता है, मतलब कभी कभी कैमरा ऑन करके आ जाते हैं डायरेक्टली। आपका फोन कर चुका हो अभी तक नहीं निकला है। यहाँ से जब बाइक उठाता हूँ ना तो बाइक को पता चलता है कि नहीं यार मेरे को चला रहा, इसी तो बहुत ज्यादा आंख है और वो भी बहुत ज्यादा लंबा। अब ड्राइव करेगा फारूक और मैं पीछे बैठ के आराम से गाना सुनूंगा और जाऊंगा। तो गाइस फाइनली बामुंडर जाके पहुंच गया हो लेकिन यार एक पंगा हो गया है। सामने देखो यार कितना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, मतलब सामने नहीं जाने देते हैं। फारूक को अचानक से कुछ काम आ गया है इस गाड़ी में तो काम निपटा के आते हैं, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या हुआ है बताता हूँ। यहाँ पर देखो रास्ता बिल्कुल बंद है, पैदल जा सकता है लेकिन बाइक लेकर नहीं जा सकता है। जो बड़ा ब्रिज है मैं जहाँ पर हमेशा जाता हूँ वहाँ पर रास्ता ऑलमोस्ट टूट गया है, थोड़ा सा रास्ता बाकी है तो इसलिए पूरा रास्ता बंद कर दिया है। वहाँ पर तो आज नहीं जाने वाला हूँ मैं, आप लोगों को बाद में कभी बता दूंगा। देखो यार भाई कितना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, मतलब यहाँ से अगर नहीं जाने देगा ना तो कम से कम 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। एक बंदे को जाने दिया बाकी किसी को जाने नहीं दे रहा है। एक्चुअली लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुका है काफी ज्यादा, कुछ लोगों को जाने दे रहा है, कुछ लोगों को जाने नहीं दे रहा है। डिफरेंस समझो यार 1-2 किलोमीटर के लिए 50 किलोमीटर घूमना भाई यार कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। चल जल्दी कर जल्दी। आज हम लोग उस तरफ नहीं जाने वाले हैं, कल मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। पैदल चल कर जाना पड़ेगा मेरे को 2 किलोमीटर तक, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कल। खोरी से ला के पहुंच गया हूँ, यहाँ से कुछ ले लेता हूँ, एक रिश्तेदार के घर जाना है। अभी हमारे यहाँ पर प्लास्टिक बैंड हो चुका है पूरी तरह से, नया सिस्टम का पेपर आ चुका है, देखने में तो मस्त लगता है।
सर भाई हमारे रिश्तेदार के घर घूमना फिरना खाना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अभी दोबारा जाना है। तो चलो अभी हम आए हैं उस जगह पर जिस जगह के बारे में आप लोगों को पहले बता चुका था। अभी यार जाना है हम लोग को इस तरफ, बटेर उस तरफ जा रहा था। यहाँ पर एक दिन में आया था ना यार, इम्प्रेस हो गया मैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लिटरली गाइस यार ये जो जगह है ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। हाँ जा ना यार, एक मिनट मेरे को छोड़ के जा, मोबाइल गिराना मत। पानी तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अभी। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था ना तो मैं वहाँ पर बैठा था, अभी वो तो खत्म। उसे तो मौसम मस्त लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त वाली फीलिंग आ रहा है, बहुत ठंडा ठंडा हवा आ रहा है इधर। लेकिन एक चीज की कमी महसूस हो रहा है मेरे को, जो कि है जगह के बारे में। देखो यार जगह मतलब यहाँ पर पानी आया था, पानी आने की वजह से जगह थोड़ा सा खराब हो गया। कभी अगर टेंशन हो ना तो इस जगह में आ जाओ, ऑटोमेटिकली माइंड फ्रेश हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा। यहाँ की जो हवा ना, ये हवा ही माइंड फ्रेश कर देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ आया हूँ जस्ट यार 5 मिनट हुआ है ज्यादा से ज्यादा, अभी रात हो गया, मतलब ज्यादा टाइम रुक ही नहीं पाया इधर। मेरा प्लान तो दूसरा ही था, मैं सोचा था कि यहाँ पर आऊंगा तो ड्राइव स्पिन करूंगा आधा घंटा एक घंटा कम से कम, बट यार टाइम मिला ही नहीं। रिश्तेदार के घर गए, वहाँ पर सारा टाइम निकल गया। चलो भाई फिलहाल 6:34 टाइम हो चुका है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ पर फारूक कितना ज्यादा अंधेरा हो चुका है अभी। ओ भाई यार ऐसे सुनसान जगह पर अकेले अकेले भी थोड़ा सा डर लग रहा है। ओपी भाई यार कितना मस्त सीन हुआ ना। तो यार भाई वहाँ से आते आते मेरे को काफी टाइम लेट हो गया था, फिलहाल 10:59 टाइम हो चुका है और मेरा वीडियो एडिटिंग भी कम्प्लीट हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, मैं आशा करता हूँ ये वाला ब्लॉग आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी नए मस्त और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। बट यार काफी ज्यादा भूख लगी है, लाइट उट सब ऑफ करके। It's all about humanity.